Hi guys, very good evening here. Myself Pradyuman Singh, welcome you in the Uttarakhand, the land of Devbhoomi. अभी आप देखो नीचे ये सरस्वती नदी है. आज हम बद्रीधाम, लकीली हमें मौका मिला बद्रीधाम आने का, तो बद्रीनाथ जाके आ गए और मुझे बहुत आसानी से मेरे को बद्रीनाथ अंदर जाने के दर्शन हो गए. और उसके बाद मैं यहाँ से माना गाँव आया. माना गाँव इज द लास्ट विलेज ऑफ दिस साइड ऑफ तिब्बत नियर. और मैं इस समय जो आया हूँ वो भी हिंदुस्तान के आखिरी विलेज, मैं छितकुल से आया हूँ. और छितकुल से आकर का आगे ये एक आखिरी विलेज माना गाँव. माना गाँव में जब मैं पहुँचा, माना गाँव से अभी मैं यहाँ आया आगे, और यहाँ पे आया ये है दोस्तों भीमपुर. अगर आप देखोगे ये भीमपुर है. इसकी कहानी ये है दोस्तों, जब पांडव लोग जब स्वर्गरोहणी के लिए जा रहे थे तो पूरे पांडव लोग बद्रीनाथ आ करके जब वो यहाँ से आगे आए तो उस समय यहाँ पे सरस्वती का रुद्र रूप देख करके तो जो द्रौपति है वो इसको पार नहीं कर पाई. तो उसके लिए तब भीम ने ये बड़ा पहाड़ उठा करके इस नदी के ऊपर रख दिया और तब इन्होंने यहाँ से क्रॉस करके वो स्वर्गरोहणी के लिए यहाँ से चले गए. और इस प्रकार वो यहाँ से आगे निकल गए. और आगे जा करके यहाँ पे वसुधारा है. और वसुधारा की खासियत ये है कि दोस्तों, जो भी कहते हैं ये कहावत है कि कुरान में ये लिखा गया है कि जो भी लोग पुण्य करके जो एक धार्मिक इंसान विचार के लोग होते हैं उसको अपने आप आकर के वो टच कर देती है, और जो हम कोई पापी लोग होगा तो उसे वो हट जाती है. तो इस प्रकार से यहाँ से आगे की ये कहानी है. ओके, और यहीं से आगे ये गंगोत्री भी है. और उसके बाद यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो ये वापस 7-8 दिन का ट्रैक करने के बाद वापस हम छितकुल गांव में पहुँच जाते हैं. ओके, धन्यवाद, जय हिंद.